हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मोहम्मद आमिर के फ़ैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच का फुल अपडेट। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी घंटी को ज़रूर प्रेस करें, जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा पहले अपडेट आपके पास पहुँच जाए। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको बताएं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का आज वर्ल्ड कप 2019 के छठा मैच खेला जा रहा था, जहाँ पर पाकिस्तान ने 348 रन का टारगेट दिया था इंग्लैंड को, और उस हदफ को हासिल करने के लिए इंग्लैंड ने भी काफ़ी मेहनत की, काफ़ी फाइट बैक किया पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें मैच में हरा दिया। फ्रेंड्स, अगर बात करें मैच की टर्निंग पॉइंट की तरफ, तो टर्निंग पॉइंट जो थी वो है मोहम्मद आमिर, जिन्होंने जॉस बटलर को आउट कर मैच का रुख पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के जीतने की तरफ मोड़ दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, मोहम्मद आमिर की शानदार गेंद पर जब बटलर को आउट किया मोहम्मद आमिर ने, तो ही मैच पाकिस्तान के जो है अंडर आ गया था। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको बताते चलें कि बटलर ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, काफ़ी बढ़िया बैटिंग करते हुए बटलर ने सेंचुरी स्कोर की, जहां पर मोहम्मद आमिर की गेंद पर बटलर को आउट होना पड़ा, वहीं से मैच का जो टर्निंग पॉइंट वहां से शुरू हो गया। फ्रेंड्स, और अगर बात करें वाहब रियाज़ की, तो उन्होंने भी काफ़ी शानदार बॉलिंग चलाई है आज इस मैच में, और पाकिस्तान को जितवाने में काफ़ी मदद की है वाहब रियाज़ ने भी। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट, जहां पर हमने आपको बताया कि इंग्लैंड मैच हार चुका है पाकिस्तान के हाथों, पाकिस्तान मैच जीत चुका है। सो फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।